अगर आप भी वेब सीरीज के शौकीन हैं, तो आप आज के समय की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज आश्रम जरूर देख रहे होंगे, जिसमें बॉबी देओल पाखंडी निर्मल बाबा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वेब सीरीज में जब गरीबों वाले बाबा की जय हो, नसीबों वाले बाबा की जय हो, जप नाम के जयकारों के बीच एक मुस्कुराते हुए बॉबी देओल की एंट्री होती है, तो दर्शक उत्साहित होते हैं, क्योंकि बाबा के गेटअप में बॉबी काफी जच रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा निराला के रूप में वो काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और दर्शक भी इन्हें इस किरदार में बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वेब सीरीज में बाबा निराला का किरदार बॉबी देओल से पहले बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं को ऑफर हुआ, पर उन सभी को किसी न किसी वजह से इस रोल के लिए रिजेक्ट करना पड़ा। किसी ने ज्यादा फीस मांगी तो कोई इस रोल में फिट नहीं हो पाया। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बॉलीवुड अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो बाबा निराला के रोल के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो अभिनेता। नंबर वन, अक्षय कुमार। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का आता है, जो किसी भी किरदार में खुद को ढाल लेते हैं। इनकी इसी काबिलियत को देखते हुए इन्हें सबसे पहले बाबा निराला का रोल ऑफर हुआ और ये इस रोल को करने के लिए हामी भर चुके थे, पर क्योंकि ये अपनी आने वाली कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, तो अपने इसी बिजी शेड्यूल के कारण ये ठीक से इस वेब सीरीज की शूटिंग को नहीं कर पाए, जिसके चलते इन्हें इस वेब सीरीज के मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया। नंबर टू, अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, सिंघम अजय देवगन का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इनकी दमदार अदाकारी से प्रभावित होकर इन्हें बाबा निराला का रोल ऑफर हुआ, पर अजय देवगन इस तरह का नेगेटिव रोल निभाकर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। इस तरह इन्हें भी इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर थ्री, रणवीर सिंह। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने हीरो के किरदार में तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं विलन खिलजी के रूप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खिलजी के रोल में इनके इसी बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें बाबा निराला का रोल ऑफर हुआ और ये इस किरदार को करने के लिए तैयार हो गए, पर जब इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो इसमें फेल हो गए। ये बाबा निराला के रोल में अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, जिसके चलते इन्हें भी इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर फोर, शाहरुख खान। बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान ने हमेशा ही रोमांटिक किरदार निभाए हैं, पर फिर भी इस वेब सीरीज के मेकर्स को पूरा भरोसा था कि ये बाबा निराला का नकारात्मक रोल निभा ही लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये बाजीगर और डॉन मूवी में एक विलन का रोल निभा चुके हैं और ये भी मेकर्स की उम्मीदों पर खरे उतरे। इन्होंने बाबा निराला के रोल में स्क्रीन टेस्ट का काफी अच्छा प्रदर्शन दिया और इन्हें इस रोल के लिए सेलेक्ट भी किया गया, पर जब बात आई फीस की तो इन्होंने तय की गई फीस से ज्यादा की डिमांड कर डाली, बस इसी वजह से इन्हें भी इस रोल के लिए रिजेक्ट करना पड़ा। नंबर फाइव, सनी देओल। बॉबी देओल से पहले उनके भाई सनी देओल को बाबा निराला का रोल ऑफर हुआ, पर इन दिनों सनी पाजी अपने करियर को विराम दे चुके हैं और राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये अपना सारा फोकस राजनीति में लगाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया, पर साथ ही इन्होंने सजेशन दिया कि इस रोल के लिए बॉबी को कास्ट कर लिया जाए। मेकर्स ने इनकी बात मान ली और बॉबी देओल उनकी सभी बातों पर खरे उतरे और इस रोल के लिए सेलेक्ट हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से अभिनेता बाबा निराला का किरदार सबसे बेहतर तरीके से निभा पाते? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।